السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم قرآن پاک کی آج تیسری مجلس ہے سورہ فاتحہ سے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تین آیتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھیں آج چونکہ نکاح کی محفل بھی ہے اس لیے صرف ایک آیت کی تفسیر ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد نکاح خانی کی مجلس منعقد ہوگی سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا تذکرہ ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی تعریف سے شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر رحم کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے ان تین آیتوں میں اللہ کی تعریف کا تذکرہ غائبانہ ہے اللہ تمام جہانوں کے پالنہار ہیں جو رحمان ہیں رحیم ہیں روز جزا کے مالک ہیں تو بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو غائبانہ اللہ کی تعریف سے شروع کرتا ہے اور جب وہ مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے تو درمیان سے حجابات ہٹ جاتے ہیں پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اسے حضوری نصیب ہو جاتی ہے تو غائبانہ پردے ہٹنے لگتے ہیں حجابات ہٹنے لگتے ہیں اور اللہ کے دربار کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو اس مقام پر پہنچ کر بندہ یوں عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی مانگیں گے یہاں اللہ سے خطاب ہے گویا تجلیات ہٹ گئیں اور اللہ کا نور اللہ کا قرب حاصل ہو گیا اب اللہ سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایاک نعبد یہاں عربی قاعدے کے اعتبار سے جس کی بندگی کی جا رہی ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا اے ہمارے رب آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں
इया का ये लफ्ज़ जो अल्लाह के लिए है, अल्लाह की तरफ इशारा करता है, अल्लाह की तरफ खिताब का है, इसको पहले लाया गया, इबादत को बाद में लाया गया। इस तरह अरबी अल्फाज में किसी लफ्ज़ को मुकद्दम कर दिया जाता है, पहले लाया जाता है, तो वहाँ हसर का माना पैदा होता है कि आप ही की बंदगी करते हैं, किसी और की नहीं करते। नाबुदु का वला नाबुदु गैरक, हम आप ही की बंदगी करते हैं, आपके अलावा किसी और की बंदगी नहीं करते। हसर का माना इसको यूँ समझ लीजिए कि एक मर्द की दो चार बीवियाँ हो सकती हैं, एक खालिक के कई बंदे हो सकते हैं, लेकिन एक औरत के लिए कई शौहर नहीं हो सकते, शौहर एक ही होगा। शौहर के लिए बीवियाँ कई हो सकती हैं, दो या चार, जिसकी अल्लाह ने गुंजाइश दी है वहाँ तक निकाह किया जा सकता है, लेकिन बीवी के लिए शौहर एक ही होगा। ऐसे ही अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन इन बंदों का मालिक और खालिक सिर्फ एक है, और बंदगी हम बहुत सो की नहीं करते, सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी नहीं करते। इसको बताने के लिए इयाका को पहले लाया गया, नाबुदु को बाद में लाया गया। नाबुदु का ये लफ्ज़ जिसमें इबादत का तस्किरा है, वो अबदियत का माना देता है। अब्द कहते हैं अरबी ज़बान में ग़ुलाम को। पहले ज़माने में ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, इंसान ग़ुलाम बना लिए जाते थे, और जो ख़रीद लेता था वो मालिक कहा जाता था। ग़ुलाम को कोई इख्तियार नहीं था, मालिक जब कहे कि काम करो तो करना है। रात के दो बजे काम के लिए कहा जाता तो ग़ुलाम को ये इख्तियार था, हक़ था कि वो उठकर काम करे। तो ग़ुलाम जिसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। ग़ुलाम में कुछ ना कुछ इख्तियार तो रहता है कि उसकी जान नहीं ली जा सकती, उसको उतना काम नहीं दिया जा सकता जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ग़ुलाम से बढ़कर अब्द है। अब्द का माना ये होता है कि अब मेरा कुछ नहीं, मैं अल्लाह के सुपुर्द हो चुका हूँ, रब के हवाले हो चुका हूँ, रब जो कहेगा मुझे करना है, मेरी मर्जियात ख़त्म हो गई हैं, मैं अपने आप को रब के हवाले कर रहा हूँ, परवरदिगार तेरे हवाले कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं, मेरे अंदर कोई तलब तड़प नहीं, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। ये माना है अब्द का। क़ुरान मजीद में फरमाया गया قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, पैगंबर आप कह दीजिए मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। अब मेरे अंदर मेरी अपनी कोई चीज़ बाकी नहीं है, मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ, अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। ये माना आता है अब्द का। चुनाचे अब्दियत का जो मकाम है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सरकारे दो जहां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए आसमान पर बुलाया और उसका तस्किरा कुरान पाक में फरमाया, तो अल्लाह ने यूँ नहीं कहा कि मैंने अपने रसूल को बुलाया है, अपने महबूब को बुलाया है। अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो अब्द का है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई और वहाँ से फिर आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए, जो सबसे ज़्यादा अजीम हस्ती हैं अल्लाह के बाद, उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। क़ुरान मजीद में है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई। वअन्नहु लम्मा क़ामा अब्दुल्लाह, और ये मेरा बंदा जब रात को मेरे दरबार में खड़ा होता है, अल्लाह ने वहाँ भी अब्दुल्लाह कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पुकार उठते हैं, नबी हैं, और माँ की गोद से वो आवाज़ देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, इल्ज़ाम लगा था मरियम पर कि ये कहाँ से बच्चा लेकर आ गई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब लोग पूछेंगे मरियम तो बच्चे की तरफ इशारा कर देना कि ये जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगी। तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, लोग कहने लगे कि ये अभी तो पैदा हुआ बच्चा है, गोद का बच्चा है, ये कहाँ से जवाब देगा। तो अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे अर्ज़ करना ये है कि अब्दियत का मकाम अल्लाह के नज़दीक बड़ा ऊँचा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना आकुलु कमा याकुलुल अब्द, मैं उस तरह खाता हूँ जिस तरह कोई ग़ुलाम खाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दियत में भी कामिल हैं, कामिल अब्द हैं, इसलिए कि हुजूर ने अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत इतनी की है कोई और नहीं कर सकता। लिहाजा आपको अब्दियत में भी कमाल हासिल है, किसी और को हासिल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को यहाँ सिखा रहे हैं कि तुम मांगो अल्लाह से कि ऐ अल्लाह तू मुझे बंदा बना दे। हम आपसे बंदगी मांगते हैं, बंदा बनकर रहना मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से आर्ज़ करता है ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही की इताअत करते हैं, आपके अलावा किसी और की इताअत नहीं करते, किसी और की इबादत नहीं करते। तो इबादत और इताअत अल्लाह की जाएगी, और उनकी इताअत की जाएगी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम अता फरमाया और इजाज़त अता फरमाई। हद बंदी के साथ उनसे कहा गया कि इनकी इताअत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत वहाँ की जाएगी जहाँ अल्लाह तबारक व ताला इजाज़त देते हैं। वालिदैन की इताअत का हुक्म है अल्लाह के कहने की वजह से है, अमीर की इताअत का हुक्म है अल्लाह के कहने की वजह से अमीर की इताअत का हुक्म है, वरना बिज़ात किसी और की इताअत नहीं की जाएगी। और माँ बाप के लिए भी, अमीर के लिए भी कहा गया कि अगर ये बड़े कोई ऐसा काम करने के लिए कहें जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होती हो, अल्लाह का हुक्म टूटता हो, वहाँ उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो इताअत भी अल्लाह की जाएगी, रसूल की इताअत की जाएगी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, माँ बाप की इताअत की जाएगी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अमीर की इताअत की जाएगी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, और उस दर्जे में की जाएगी जहाँ अल्लाह ने गुंजाइश रखी है। और उससे हटकर अगर कोई शिर्क पर मजबूर करें, अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करें, तो वहाँ उनकी इताअत नहीं की जाएगी। और बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि तुम इबादत कर रहे हो, तो ये न समझो कि तुम अकेले इबादत कर रहे हो। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्यों जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? बंदे को गुरूर पैदा ना हो कि मैं इबादत कर रहा हूँ, बंदे को ये ख्याल ना आए कि मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ।
उसे ये तसव्वुर आए कि अल्लाह की बंदगी करने वाले बहुत सारे हैं, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। और जिस वक्त बंदा अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अगरचे वो अकेले नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन वो ये तसव्वुर करे कि अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते ऐसे हैं जो इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़ियाम में है, मैं अपनी इबादत को उन फरिश्तों की इबादत के साथ शामिल कर रहा हूँ। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जहाँ अल्लाह तबारक व ताला उनकी इबादत को कबूल फरमाएंगे, वहाँ बंदे की इबादत भी कबूल हो जाएगी और बंदे के अंदर से तकब्बुर निकल जाएगा, बंदे के अंदर से उजुब निकल जाएगा। इय्याका नअबुदु, जिसकी इबादत की जा रही है उसको पहले जिक्र किया गया, इबादत को बाद में लाया गया। इसमें कई नुकात हैं। एक नुक्ता ये है कि अल्लाह के दरबार में बंदा इबादत का नजराना पेश कर रहा है, जो बादशाह हकीकी है, तो बादशाह का तसव्वुर पहले बंदे के जहन में बैठ जाए और बादशाह के जाहो जलाल का यकीन बंदे के दिल में बैठ जाए। तो जब यकीन बैठ जाएगा तो इबादत के अंदर खुशू खुजू पैदा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने पहले अपना तस्किरा फरमाया कि तुम जिसकी इबादत कर रहे हो उसे पहले रखो, उसे सामने रखो और फिर तुम बंदगी करो, ताकि उसके जाहो जलाल का मुजाहरा तुम अपनी आँखों से देख सको, उसकी अजमत को अपने दिल में बिठा सको। दूसरी वजह ये है कि अल्लाह कदीम हैं, अजली हैं। कदीम का मतलब होता है हमेशा से हैं और अल्लाह हमेशा रहने वाले हैं। नाबुदु, जो बंदगी की जा रही है, करने वाला भी आर्जी वक्त लेकर आया है और उसकी इबादत भी वक्ती है। तो अल्लाह जो हमेशा से हैं, हमेशा रहने वाले हैं, कदीम हैं और अजली हैं, तो अल्लाह का हक पहले है कि जो हमेशा से रहने वाला है उसे पहले रहना चाहिए। और बंदा जो बंदगी कर रहा है उसकी ज़िंदगी भी आर्जी है और उसकी इबादत भी आर्जी है, तो लिहाजा उसको बाद में रखा गया है। तीसरी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व ताला बंदों से ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा महबूब बन जाऊं, तुम्हारा मकसूद बन जाऊं, तुम्हारा मकसद मुझे हासिल करना और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हो जाना। जब मैं तुम्हारा महबूब बन जाऊंगा तो आदमी इश्क में, मोहब्बत में महबूब को सामने रखकर बड़े से बड़ा काम आसानी से कर जाता है, बड़ी सी बड़ी मशक्क़त आसानी से झेल जाता है। जब उसके सामने महबूब का नाम आता है तो हर किस्म की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो जाता है, खुशी खुशी वो किसी भी भारी से भारी काम को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे महबूब बना लो तो फिर तुम्हारे लिए बंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारे लिए इबादत आसान हो जाएगी। महबूब का तस्किरा पहले हो जाए तो फिर बाद में जब बंदगी इंसान करता है तो उसके अंदर शौक़ पैदा हो जाता है, खुशी पैदा हो जाती है, बेजारगी पैदा नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व ताला पहले अपना तस्किरा फरमा कर बंदों की इबादत में नशात पैदा करना चाहते हैं, खुशी पैदा करना चाहते हैं। एक वजह यह भी है कि अल्लाह ने बंदगी से पहले अपना तस्किरा फरमाया और बंदों को ये तालीम दी गई कि तुम इबादत कर रहे हो तो मकसद तुम्हारा कोई और नहीं होना चाहिए, मेरी रज़ा होनी चाहिए, मेरी खुशनुदी होनी चाहिए। तुम मुझे मुकद्दम रखो, सामने रखो कि मुझे मेरे रब को राज़ी करना है, मुझे मेरे रब को खुश करना है। तुम्हारी निगाह रब पर होनी चाहिए, बंदगी पर नहीं होनी चाहिए, किसी और को खुश करने का इरादा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और उसके अंदर मानी का, मतालिब का एक समंदर
उसमें सुमो दिया गया, उसमें उतार दिया गया। इय्याका नाबुदु, जिसका मतलब है ऐ परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और आइंदा भी करेंगे। नाबुदु का लफ्ज़ वो हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि हम बंदगी कर रहे हैं तो इजहार हाल है कि अब तेरी ही बंदगी कर रहे हैं और आइंदा भी तेरी ही बंदगी करेंगे। इसमें वादा है, आहद है और अल्लाह ताला से मुआहदा किया जा रहा है कि अल्लाह आइंदा भी हम तेरी ही बंदगी करेंगे, किसी और की बंदगी नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा लफ्ज़ है कुरान पाक का और अल्लाह तबारक ताला ने इसमें बड़े अजाइब व गराइब रखे हैं। इबादत क्यों की जाती है? इबादत तीन वजूह से की जाती है। इबादत सवाब हासिल करने, अजाब से बचने के लिए की जाती है, एक दर्जा ये भी काबिल कबूल है। तो पहला दर्जा इबादत करने का जो इंसान करता है वो सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। इबादत का दूसरा दर्जा ये है कि अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए बंदा इबादत करता है कि मेरा अल्लाह के पास कोई मकाम हो, कोई मर्तबा हो, मैं अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाऊँ, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करूँ। ये दूसरा दर्जा है। इबादत करने का तीसरा मकसद ये होता है कि आबिद अल्लाह को तलब करता है, अल्लाह को चाहता है, अल्लाह आप हासिल हो जाएं, आप मुझे मिल जाएं, आपका क़ुर्ब नसीब हो जाए, आपकी मोहब्बत मुझे मिल जाए। तो ये इबादत का आला तरीन दर्जा है कि इबादत के ज़रिए से अल्लाह को तलब करना। ये तीन दर्जात हैं इबादत के। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। इबादत का मफहूम सिर्फ रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज के लिए नहीं है, इबादत का मफहूम पूरी ज़िंदगी के लिए है। मैंने कहा कि हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, सारी मर्ज़ी अल्लाह की। अल्लाह कहें देखो तो हमारी आँखें देखना चाहिए, अल्लाह कहें आँखों को बंद कर लो तो आँखें बंद हो जानी चाहिए, अल्लाह कहें सुनो तो सुनना चाहिए, अल्लाह कहें सोचो तो सोचना चाहिए। जिस चीज़ से मना करें हमारी सोच ख़त्म हो जाए, हमारे कान बंद हो जाएं, हमारे आज़ा में कोई और चीज़ बाकी ना रहे, अल्लाह के ताबे हमारे आज़ा हो जाएं, तो पूरी ज़िंदगी वो बंदगी बन जाती है। एक बंदा चलता है, उसकी चाल अल्लाह के लिए है, किसी से बात करता है तो वो अल्लाह के लिए बात करता है, किसी से गुफ्तगु करता है तो वो अल्लाह के लिए, किसी से कोई मुआहदा करता है तो अल्लाह के लिए, बीवी बच्चों से ताल्लुक़ है तो अल्लाह के लिए, पड़ोसियों के साथ बर्ताव है तो अल्लाह के लिए, उसकी पूरी ज़िंदगी सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक वो उसकी अपनी मर्ज़ी की ना हो, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, तो यही बंदगी है, यही इबादत का तकाजा है। अल्लाह हम सबको ऐसी पाक व साफ़ ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला क़ुरान से ताल्लुक़ मज़बूत फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी नसीब फ़रमाए, हमारी ज़िंदगियों में पाकी सफाई नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।